इसलिए नहीं हो रहा है, ये राजपूत का गांव है। अच्छा है तो, का हाँ, इसको इसी में फंस गया। दिग्विजय माननीय नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो रजला का उद्घाटन उन्होंने किया। अच्छा, टेलवा का किया, और टेलवा और रजला का कटौना के सामने बस्ते तो नहीं कि ये लोग जो नेता लोग हैं जात पात से प्रेरित हैं। अच्छा, और दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार के लड़ाई में हॉल्ट फंस गया। भाजपा भी है, फॉरवर्ड की पार्टी है, राजपूत के पार्टी, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भाजपा। फॉरवर्ड किया तो समझ रहा है कि हमारा है ही, ये जाएगा कहाँ। अच्छा, वो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, तुष्टिकरण के तहत ही देवाचक चालू हुआ है। तुष्टिकरण, हाँ, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है इस देश में। मतलब देवाचक गांव कौन जात का है? जादव का है, इसीलिए आई राजपूत का, इसलिए नहीं हम किए। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी तक हम बात सुना पहुंचाना चाहते हैं कि आपके राज में आप कहते हैं ग्राम स्वावलंबन की बात। अच्छा, तो यातायात का साधन छीन के आप कैसा स्वावलंबन देना? बराबर यहाँ पर हड़ताल करते हैं हम लोग यहाँ। आपकी आवाज सरकार कब सुनेगी? हम लोग यहाँ 36 महीना हाँ कंटिन्यूड है। इस बीच धरना स्थल पर दानापुर DRM भी आए। अच्छा, और हमसे मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम उचित DIG देखिए मेरे पॉकेट में है। DIG पॉकेट में? नहीं, DIG को आवेदन ले मेरे पॉकेट देने जा रहे हैं। मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे DRM दानापुर। अच्छा, DIG मुंगेर, DM जम्मू, SP जम्मू को हम देने जा रहे हैं। अच्छा, कि हाँ आप अगर 14 तारीख तक ट्रेनों का ठहराव नहीं कीजिएगा शुरू, तो 15 को हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। मैं इसके आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जम्मू जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत कटौना गांव, और यहां पर एक हॉल्ट है, कटौना हॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और मैं बताता हूं कि इस हॉल्ट का इतिहास रहा है, जब जम्मू जिले के दिग्विजय सिंह कभी रेल राज्य मंत्री रहा करते थे, और उन्हीं के रीजन में 1999 में इस हॉल्ट पर ट्रेनों का ठहराव शुरू हुई थी। लेकिन विगत 22 वर्षों तक ये ट्रेन का ठहराव हुआ, और विगत काल जब कोरोना का समय आया तो कोरोना काल के टाइम से बंद हो चुका, और यहाँ पर ट्रेन का जब ठहराव बंद हो चुका तो लोगों में काफी परेशानियां होने लगा। और यहाँ पर यहाँ का जो ग्रामीण है, जो आसपास के लोग हैं, उनको बहुत जब ज्यादा समस्या होने लगा तो यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू किया। कई बार लगातार 3 वर्षों से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू रहा। यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया। यहाँ के माननीय सांसद चिराग पासवान जब थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहाँ ट्रेन ठहराव होगी। वर्तमान जम्मू विधानसभा के विधायिका श्रेयसी सिंह के द्वारा भी इस सवाल को विधानसभा में उठाया गया था मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहा। आज फिर 10 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल यहां के ग्रामीण कर चुके हैं, और इसका रीजन है कि किसी न किसी प्रकार से यहां ट्रेन ठहरा हो, क्योंकि बगल के एक गाँव, बगल के हॉल्ट में आप जम्मू से आगे जब बढ़ेंगे तो वहाँ एक कुंदर हॉल्ट है, जितेंद्र हॉल्ट है, देवाचक हॉल्ट है। ये सब ट्रेन कोरोना काल में यहाँ भी ट्रेन का ठहराव बंद हो चुका था, लेकिन अब वहाँ परिचालन शुरू हो गया, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ के कुछ ग्रामीण जो भूख हड़ताल किए हुए हैं उनसे जानते हैं, और यहाँ के नेता द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया इसके विषय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार दुबे। राजेश कुमार दुबे जी, क्यों भूख हड़ताल? क्यों भूख हड़ताल? इसलिए है कि 22 साल यहाँ ट्रेन रुकी थी। अच्छा, और रुक रही थी, कोरोना काल से ट्रेन बंद किया गया। हम लोग सब जगह बंद हुआ, यहाँ बंद हुआ, सब जगह चालू हुआ, यहाँ चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ चालू नहीं हुआ, हर जगह चालू हो गया। हम लोग 2 बार अनशन भूख हड़ताल किए, 3 साल से चल रहा है अनशन, 3 बार भूख हड़ताल पहले भी किए, आश्वासन देकर के काम नहीं हुआ, इसलिए फिर कल से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल बैठ गए। जब तक मांग पूरी नहीं हो गया तब तक हम नहीं उठे। ये एक दिव्यांग है, और इन्होंने हिम्मत जुटाई कि जब तक यहाँ ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हो जाती है तब तक हम इसी प्रकार भूख हड़ताल रहेंगे, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। यदि आपकी भूख हड़ताल के कारण कुछ नहीं आएगा प्रशासन तो क्या होगा? नहीं आएगा तो फिर हम क्या जाने, पेट पट्टी पर उखड़ेगा, कुछ कुछ हो सकता है, हमको कुछ हो जाएगा। जब तक ट्रेन ठहराव नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संतोष कुमार पांडे हुआ, मैं जिला दिव्यांग कल्याण संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं राजेश जी के समर्थन में आए हैं, और हमारा और संगठन सब धीरे धीरे यहाँ मौजूद होगा, आएगा। और रह गई बात, अभी सवाल आपने पूछे कि राजेश जी को अगर किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटती है तो हम सभी दिव्यांग मिल करके यहाँ जो है सो रेल रोको, रेल जो भी अच्छी होगा, कुछ भी घटना यहाँ हो सकता है। ये शरीर से भी जी, दिव्यांग के समर्थन आए हुए हैं, और आप भी दिव्यांग? जी, हम लोग भी दिव्यांग हैं, कुछ लोग दिव्यांग संगठन से हैं, और लोग आ रहे हैं, संगठन के लोग आएंगे भी यहाँ। संगठन के लोग आएंगे जी।
लेकिन यहाँ कितने गांव को जोड़ता है? ये 35 गांव को जोड़ता है। 35 गांव। हाँ, लगभग यहाँ रेलवे खासियत ये है कि 4 किलोमीटर चौरा पड़ता है, 4 किलोमीटर जमुई पड़ता है, इस बीच में हॉल्ट का होना लाजमी बनता है। और यहाँ पर 35 एकड़ जमीन जो रेलवे का अभी वर्तमान में है यहाँ पर, तो यहाँ क्या नथी हो रही है रेल सरकार को या हमारे माननीय विधायक, हमारे सांसद महोदय को, जो की इस पर कुछ सुध नहीं ले रहे हैं। कोई सुध नहीं ले रहे, कोई सुध नहीं ले रहे। यहाँ सूचना दिए हैं जी, सूचना सबों को। और है, और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के, अच्छा आप उपाध्यक्ष हुए, राजेश कुमार दुबे जी, और आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्रचूड़ सिंह। चंद्रचूड़ सिंह, क्या क्या दिक्कत हुआ? और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं पूरा, आप बराबर यहाँ पर हड़ताल करते हैं? हम लोग यहाँ, आपकी आवाज सरकार कब सुनेगी? हम लोग यहाँ 36 महीना से, 36 महीना हाँ कंटिन्यूड है। इस बीच धरना स्थल पर दानापुर DRM भी आए, अच्छा, और हमसे मिले, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, केवल कह के ही रह गए। फिर धरना स्थल पर राजेश जी अनशन कर रहे थे, इसके पूर्व माननीय विधायक भी आई, लेकिन विधायक जी भी, क्या नाम है विधायक? श्री सिंह जी, अच्छा, विधानसभा में उठाई। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में कोई प्रतिनिधि अगर कोई बात उठाता है तो संबंधित विभाग को जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। लेकिन एक रेल मंत्री तानाशाह आदमी को बना दिया गया है, तानाशाह ये नॉन पॉलिटिकल आदमी है, एक कहावत है, आईएस है, और नॉन पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल इसलिए है कि राजनीति नहीं की है जमीन से, जमीन जो जिसको एक कहावत है, जाके पैर न फटे भी आई वो क्या जाने दर्द पर आई। अच्छा, उन्होंने वो गांव ग्राम का दुख नहीं देखे हैं, नहीं, वो सोना के पीढ़ा पर जन्मे हैं, वो सोना के पीढ़ा पर पले हैं, उनको क्या समझ में आएगा कि गांव में क्या दिक्कत है। अब आपके बगल में 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग अभी टाइप करवा रहे हैं, क्या? और हम DIG IG देखिए मेरे पॉकेट में है, DIG IG पॉकेट में है? नहीं, DIG IG को आवेदन ले मेरे पॉकेट में है। अच्छा। इसको हम अभी सबको देने जा रहे हैं, मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे, DRM दानापुर, अच्छा, DIG मुंगेर, DM जम्मू, SP जम्मू को हम देने जा रहे हैं। अच्छा। कि हाँ, आप अगर 14 तारीख तक ट्रेनों का ठहराव नहीं कीजिएगा शुरू, तो 15 को हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री के सामने। अच्छा, देश का मालिक आ रहा है ना, ये अल्टीमेटम है? अल्टीमेटम नहीं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ये लोग का अल्टीमेटम दे रहे हैं पदाधिकारी। हाँ, पदाधिकारी को दे रहे हैं, जो ये नियम है कि कुछ करने के पहले संबंधित पदाधिकारी को जानकारी देनी चाहिए। अच्छा, तो जानकारी दे रहे हैं हम लोग, लिखित अभी जाते हैं। आखिर क्यों बगल में देवाचक गाँव में हॉल्ट है, वहाँ ठहराव ट्रेन का हो चुकी है, चौरा में हो चुकी है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है, राजपूत का गांव है। अच्छा, है तो, हाँ, इसको इसी में फंस गया। माननीय नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो रजला का उद्घाटन उन्होंने किया। अच्छा, टेलवा का किया, और टेलवा और रजला का कटौना के सामने कोई अस्तित्व नहीं था। अच्छा, इसलिए कि जब कटौना में गाड़ी रुक रही थी तो टेलवा और रजला का नामो निशान नहीं था। अच्छा, देवाचक का नामो निशान नहीं था, कुंदर का नामो निशान नहीं था, बसुआ चक का नामो निशान नहीं था, लाखो चक का नामो निशान नहीं था, महेश लट्टा का नामो निशान नहीं था, और ये सब विधिवत बन गया। और कटौना क्यों नहीं बना? कि ये लोग जो नेता लोग हैं जात पात से प्रेरित हैं। अच्छा, और दिग्विजय सिंह और नीतीश कुमार के लड़ाई में हॉल्ट फंस गया। भाजपा भी है, फॉरवर्ड की पार्टी है, राजपूत की पार्टी, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भाजपा। फॉरवर्ड किया तो समझ रहा कि हमारा है ही, कि जाएगा कहाँ। अच्छा, वो तुष्टिकरण की राजनीति कर, तुष्टिकरण के तहत ही देवाचक चालू हुआ है। तुष्टिकरण, हाँ, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है इस देश में। मतलब देवाचक गाँव कौन जात का है? जादव का है, इसीलिए राजपूत का, इसलिए नहीं हम किए। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी तक हम बात सुना पहुंचाना चाहते हैं कि आपके राज्य में आप कहते हैं ग्राम स्वावलंबन की बात। अच्छा, तो यातायात का साधन छीन के आप कैसा स्वावलंबन देना चाहते हैं? अच्छा, बापू का सपना था ग्राम स्वराज्य, तो ग्राम स्वराज्य कैसे आएगा? जब गाँव स्वावलंबन होगा तब ना। आज यहाँ यातायात का साधन था, सैकड़ों लड़का यहाँ अपना सब्जी, छोटा छोटा किसान यहाँ है, सब्जी फला 10 किलो लिया, जाके स्टेशन पर बेचाया, जम्मू में बेचाया, झाझा में बेचाया। आज स्थिति यह है कि एक जम्मू स्टेशन जाने के लिए 40 रुपया भाड़ा लगता है, जम्मू जाने के लिए, हाँ, 20 रुपया ऑटो में, 20 रुपया जाने में और 20 रुपया आने में, और 20 रुपया हम लोग देवघर चला जाता है टिकट कटा के। अच्छा, यानी ये इतनी समस्या है, मोकामा का भाड़ा 20 रुपया है, हाँ, और 20 रुपया देना पड़ता है जम्मू स्टेशन जाने के लिए, ट्रेन से देवघर 20 रुपया में, 20 रुपया भाड़ा है, 20 रुपया में चला जाता है, 4 किलोमीटर में 20 रुपया लग रहा है, 4 किलोमीटर में 20 रुपया लगा। लेकिन ये चीज को देखने वाला सारी पार्टियां गरीब की बात करता है, दलित का बात करता है, पिछड़ा का बात करता है। देखिए, दलितों की बस्ती है यह जो है, ये देखिए मानियों की बस्ती है, इतना यहाँ दलित का बस्ती है, 25 बस्ती केवल दलितों का है, छोटा छोटा 25, हाँ, उसमें जो बड़ा बस्ती जुड़ जाता है, लेकिन अब जो टोला था वो बस्ती का रूप ले लिया है। अगर 200 घर हो गया तो उसको बस्ती नहीं कहिएगा, लगभग 20 से 25 हजार की आबादी है, ज्यादा से अधिक है यहाँ से। देखिए जम्मू, अच्छा, जिला मुख्यालय भी इससे नजदीक हो रहा है, क्योंकि जिला मुख्यालय आप जान रहे होंगे कि जिला मुख्यालय का सारा कार्यालय इस पार आ रहा है, कस्टम का बन गया, आपको माप तौल का बन गया, अभी तारामंडल का बन गया, तो जिला मुख्यालय भी जाना यहाँ से आसान है।
फिर भी प्रशासन का अभी तक ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। डीआरएम आए थे क्या बोले? डीआरएम आए कि बोले कि सब कागज दे दीजिए, मैंने उनको सब कागज दिया और वो बोले कि ठीक है हम उचित कार्रवाई करेंगे और उन्हें अपना काम किया। आपका सांसद चिराग पासवान थे, वो क्या आश्वासन? सांसद चिराग पासवान केवल लिखे, कुछ किए नहीं और केवल आश्वासन दिए। और हम लोग का अनशन चल रहा था तो यहाँ आए थे माननीय हमारे जो वर्तमान सांसद हैं अरुण भारती जी, और उनको मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अरुण जी अगर औपचारिकता कीजिएगा तो हॉल्ट कभी चलने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। क्या बोले आप? आपको अगर कराना है तो आप रेल मंत्री से मिलिए और आप संसद में उठाइए मामला को। क्या बोले? वो बोले हम तीनों को अपने मन से दो बात बोले, हम तीन मांग किए थे कि आप ब्रह्मानंद मंडल के तरह अनशन पर बैठिए, जैसे ब्रह्मानंद मंडल बैठे थे गंगा पुल के लिए। आपकी पार्टी की तो छोटी भागीदारी है सरकार में, चिराग जी एक छोटे से विभाग का मंत्री हैं, लेकिन समता पार्टी के नीतीश कुमार रेल मंत्री थे भी अटल बिहारी सरकार में, और जो रक्षा मंत्री थे जार फर्नांडिस, उतनी बड़ी भागीदारी थी समता पार्टी की सरकार में, और तब उस अनशन पर बैठ गए। तो आप भी जनता के लिए बैठिए, क्योंकि राज सत्ता बड़ी नहीं होती है, जनसत्ता बड़ी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं संसद में भी उठाऊंगा, मैं रेल मंत्री से भी मिलूंगा, लेकिन रेल मंत्री से मिले भी, लेकिन रेल मंत्री एक तानाशाह व्यक्ति को बना गया है, बना दिया गया है, तानाशाह है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम मैं सही बोल रहा हूँ, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी में बहुत पागल भी होता है, 10 साल उसका होने वाला है, होने से क्या होगा, वो पागल भी होता है पढ़ा आदमी। मेरे गाँव में भी एक आदमी है बहुत विद्वान है, वो बोलते हैं हम बटन दबाएंगे और जिसको चाहेंगे जिता देंगे, जिसको चाहेंगे हरा देंगे, और बहुत विद्वान है। तो पढ़ा लिखा में पागल भी बहुत होता है, हमको लगता है सनी वैष्णव कुछ पागल भी है हल्का फलका, हाँ हमको तो शक लग रहा है। अरे जनता डेमोक्रेसी इज द पीपुल बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल, तो किस क्या है बाय द पीपुल फॉर द पीपुल? जब जनता के लिए आप है या नहीं है तो आप क्या है न मंत्री? अच्छा यानी ट्रेन यहाँ जाती है तो आशा लगता है कि जैसा कि अभी आप यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा सुन रहे थे, जिन्होंने लगातार 36 महीनों तक यहाँ आमरण अनशन के तहत और अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत अब भूख हड़ताल रूप ले लिया है, और लगातार इस बात को इनको एक ही चीज़ करना है कि किसी भी प्रकार से यहाँ ट्रेनों का ठहराव हो, ताकि हमारे गांव में जो रोजी रोजगार के लिए जो छोटे मोटे सब्जियों बेचते हैं वो व्यक्ति इस यहाँ से कमा सके, और 4 किलोमीटर की दूरी में जो 20 रुपये का भाड़ा देता है, 40 रुपये का भाड़ा, वो भाड़ा से बचे। और लगातार इस चीज़ को प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, और आने वाले 15 तारीख को कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं, उनको भी घेरने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम खबरों के साथ अभी आप सुन रहे थे, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।